condo apartment. I was like so amazed. I just feel like living on there. ये चीज़ जब आप island आओगे बहुत use करोगे इसको आप. So देखा इतना lavish, इतनी बड़ी जगह, यही तो घर सोचे थे मैंने इंडिया से कि रहूँगा तो यार ऐसे घर में रहूँगा. तो इसमें जो electricity bill है वो included है. I can just walk into like this to this room. तो क्या आप भी घर ढूंढने में हो रहे हैं बहुत सारा परेशान? क्या आपको भी घर बिल्कुल मिल ही नहीं रहे? क्या आप भी सोच रहे हैं कि अगर बाहर किसी देश में जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? वेल फिकर नॉट, क्योंकि आज मैं आप लोगों को लेके आया हुआ हूँ द एम्बस स्टूडेंट्स के एलीट हाउसेस में, जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बने हैं. और ये हाउसेस हैं, अभी मैं कॉर्क में हूँ तो कॉर्क के घर हैं. UCC और MTU जो CIT था पहले, उन दोनों के बीच के ये घर है. सो वेलकम टू द एम्बस स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी, लेट्स गेट स्टार्टेड. घर की सारी टेंशन्स दूर करेगा नीडो स्टूडेंट बर्निंग पॉइंट. यहाँ पे ये स्टूडेंट अकोमोडेशन अभी नया बना है MTU और UCC के बिल्कुल सेंटर पे. तो ये देखेंगे आप. ये दिखाता हूँ पहले आपको यहाँ की लॉबी, फिर यहाँ के रूम्स और यहाँ के अपार्टमेंट्स, यहाँ का किचन. मैंने तो सब देख लिया है इसलिए मेरी एक्साइटमेंट सुपर डुपर हो रखी है, बट मैं चाहता हूँ आप लोगों की भी एक्साइटमेंट उतनी ही रहे. तो यहाँ घुसने के लिए आपके पास एक की होनी चाहिए, बट अभी जोशिंग अराउंड यहाँ पे, तो जोशिंग अराउंड के पास एक की है. तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करिए, चैनल है ये, अपने आप खुल जाएंगे. तो आपके सारे हैवी सूट के साथ आपको नहीं पिक करने, आप बस अंदर आइए. Also guys, if you come here, you will find at the reception Rosine, who will be there to help you out with all your doubts, anything that you need or anything related to this accommodation. And she's really friendly, she'll take you around, show the houses, and she's a gem of a person. Thank you so much, Rosine, for this beautiful tour. Pleasure to have you. Pleasure to have you, and pleasure to have you guys also. Do come and talk to her. Talk to her. She's a good Please person. Please talk to me. What's the best thing here? Your post. So, if you have a post, you can put your post here. You can put your post here. And these are very important things that you should sanitize your hands. So, I did sanitize my hands. तो यहाँ पे आप ये नो स्मोकिंग एरिया, तो अगर आप स्मोक करोगे नो स्मोकिंग एरिया है ना यहाँ पे. तो नो स्मोक एरिया है यहाँ पे, 24/7 असिस्टेंट्स है. तो यहाँ पे नंबर्स है, आप उन पे कॉल कर सकते हैं. और दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एरिया जहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हैं. तो कभी भी अगर आप सोचें या मेरी गर्लफ्रेंड कह रही है डेट पे लेके जाना, कोई एक्सपेंसिव प्लेस कैसे लेके जाऊँ, तो यहाँ बैठिए अपनी गर्लफ्रेंड को, यहाँ बैठाइए, उससे बातचीत करिए और यहाँ पे रिलैक्स कर सकते. दिस इज़ वेरी एलीट एरिया. जब आप घुसते हैं सीधा अंदर, यहाँ पर बैठने का आपको मौका मिलता है. बट यहाँ से अगर आपका थोड़ा बहुत पढ़ाई में मन है, क्योंकि पढ़ने लिखने तो आ जाएगा, पढ़ाई में अगर आपका मन है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल सा स्टडी रूम है. तो ये स्टडी रूम है, ये अंदर को खुलता है. तो ये यहाँ का स्टडी रूम है. और यहाँ पर स्टडी रूम की खास बात, सबसे प्यारी बात, वैसे तो स्टडी रूम में पढ़ाई लिखाई होती है, बट कभी कभार होता है ना कि पढ़ाई लिखाई के साथ थोड़े गाने वाने होने चाहिए. तो आप यहाँ पे पूरा म्यूजिक सिस्टम भी है, तो आप यहाँ पे बुकिंग करा सकते हो अपना स्पेसिफिक आवर्स, आपको कब आप पढ़ाई करनी हो, यहाँ पे आप गाने सुन सकते हो. द बेस्ट थिंग ओवर हियर इज दी बोर्ड. तो यहाँ पे आप अपना कुछ स्केचपेन से कुछ लिख सकते हो, इक्वेशन लिख दो, रमेश लव रेशमा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो. तो स्टडी एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? स्टडी एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी बार कॉलेज में क्या होता है, UCC और MTU में जितनी बार मैंने देखा है कि स्टडी एरिया तो वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी भीड़ भड़का होता है, तो उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती. यहाँ पे पढ़ने पे मेरी आवाज़ें गूंजती, तो अगर मेरी आवाज़ गूंजे तो इतना साइलेंस, और यहाँ पे आप थोड़ा दिलजीत दोसांझ के गाने लगा के सूदिंग वॉइस पे सुन लिख के पढ़ाई कर सकते हैं. तो आइए आपको ले चलता हूँ यहाँ पे कॉमन एरिया पे. तो अब आप यहाँ पे आते हैं कॉमन एरिया. तो वो भी कॉमन एरिया था, वो लॉबी के स्टार्टिंग में था, उसी के बैक साइड में अगर आप वहाँ से देखोगे तो उसके ही बैक साइड पे जाके यहाँ पे भी और ज़्यादा सीटिंग एरिया है. और द मोस्ट बिहारी सी चीज़ जो यहाँ की है, दैट इज दिस बीन बैग. मैंने भी बचपन में एक बीन बैग लिया था, तब उस टाइम हमने रैबिट्स पाले हुए थे, उन रैबिट्स ने खा था वो खराब कर दिया था. बट दिस बीन बैग लुक्स सो गुड, आई फील लाइक मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, मैं बहुत देर से बोल जा रहा हूँ, बट नहीं, अगर रेस्ट ली ले तो पूरा पार्टनर कैसे दिखाऊंगा. तो यहाँ का बीन बैग, और उन्होंने मुझे बताया कि इनके फेसबुक पे एक पेज है, उस फेसबुक पेज पे दे हैव देयर मूवी नाइट्स. तो दिस इज़ अ वेरी कोजी प्लेस जहाँ पे अपनी मूवी नाइट्स कर सकते हो विद एवरीवन अराउंड. तो आप यहाँ पे बैठो, अपना नेटफ्लिक्स चलाओ, अमेज़न चलाओ, जो चलाना है चलाओ, जोशिंग अराउंड दिखाओ यार यहाँ पे आगे सबको.
तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स दोस्तों से और सबसे बात कर सकते हो। बट कभी कभार आप सोचोगे यार ये सब तो ठीक है लेकिन हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे तो कपड़े धोएंगे कहाँ पे, है ना? धोएंगे, अरे धोएंगे कहाँ पे यार, यहाँ का खुद का इनका एरिया है। तो इफ यू कम हियर दैट्स द लॉन्ड्री रूम, आप यहाँ के लॉन्ड्री रूम में आओगे अंदर। दिस इज ऑक्यूपाइड बाय देम बट इट इज फ्रॉम अ कंपनी, तो एक कंपनी ऑक्यूपाइड एरिया है। इसकी आपकी एक स्पेसिफिक ऐप है, वो ऐप आपके फोन पे होगी, उस फोन में आपको पता चल जाएगा कि ये लॉन्ड्री में कोई अभी मशीन यूज हो रही है या नहीं। मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आपको पता चल जाएगा। सोचो बाय चांस ये कोई कोई बंदा ये यूज कर रहा है, ये मशीन चल रही है, तो आप बोलेगी द मशीन इज नॉट फ्री। तो जब मशीन फ्री होगी तो आप तब आके यहाँ पे कर सकते हो। काफी अच्छा एरिया, ये जो मैं अफिलिएट डाल देता हूँ उधर, मजाक था वो, मेरे पास ही है। दिस इज वेरी क्वाइट स्पेशियस, ये आपका हीटर है, ड्रायर्स है एंड एवरीथिंग इज हियर। सो क्वाइट अ स्मॉल रूम बट इट इज वेरी गुड फॉर एवरी स्टूडेंट जिसको अपने कपड़े अपने यहाँ पे आराम से धोने हैं। तो आइए मैं अब आपको लेके जाता हूँ यहाँ के एलीट फैंसी प्रीमियम जो रूम्स होते हैं जस्ट फॉर स्टूडेंट्स। बट ब्रो ये अंदर जाऊँ कैसे, अंदर जाने का कुछ है नहीं, कोई चाबी अभी चोरी तो नहीं होगी? वेल चाबी नहीं यहाँ पे, इससे एंट्री आपकी हो जाएगी। तो यू जस्ट नीड टू क्लिक इट हियर। ओके दरवाज़ा खोलूँ? क्यों खोलूँ जबकि दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है? तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है बेटो। So I can just walk into like this to this room. और अंदर घुसते ही तो AC और खुशबू जो मिल रही है वो तो बहुत brilliant है ही। तो ये है आपके इधर lobby main area जहाँ से आप अंदर आओगे, और as you can see your apartment 2E006D007। तो क्या ये similar सिर्फ एक apartment है? नहीं, इस एक apartment में 6 से 7 apartment है। अब एक apartment में 6 से 7 apartment कैसे हो सकते? confuse हो रहे हो। तो आओ पहले चलते हैं apartment D007। ये जो पूरी अकोमोडेशन है ना, इन्होंने सोच समझ के एक एक चीज का ध्यान दिया है। अब आप लोग आओगे सारे लगेजेस लेके, कितनी भारी भारी लगेज होगे, तो अगर थर्ड फ्लोर पे हुआ घर तो क्या लेके जाओगे? सीढ़ियों के नहीं नहीं हमारी यहाँ पे लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर आप जा सकते हैं। यहाँ से मैं थर्ड फ्लोर पे जाता हूँ। चलो गाइस मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। गाइस गाइस अरे तो यहाँ पे लिफ्ट है तो आप लिफ्ट में जरूर जा सकते हैं D007। तो आप इस अपार्टमेंट के अंदर 6 bedrooms हैं, मतलब 6 apartments होते हैं, तो 6 students में रह सकते हैं। अब इसको खोलने के लिए भी यू हैव योर यूनिक की, बट ये अंबर स्टूडेंट्स वाली की है तो मैं तो कहीं पे भी जा सकता हूँ। बट ये वाला दरवाजा खुद नहीं खुलता था, आपको ये वाला दरवाजा खुद खोलना पड़ेगा। और यहाँ से जब आप अंदर आओगे तो एज यू कैन सी EFG, तो यहाँ पे सारे रूम्स हैं, बट ये सारे रूम्स अभी बंद हैं क्योंकि कोविड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक रूम है जो हम देख सकते हैं। सो अब आप आ चुके हैं इतने क्लोज, सबसे प्यारे घर देख लो, क्या एक्साइटेड है। बट मैं एक्साइटेड हूँ और मैंने एक घर पहले देख रखा है। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ एम्बर स्टूडेंट्स की द प्रीस्ट प्रीमियम क्वालिटी रूम्स। यू क्लिक इन देयर, यू ओपन इट एंड दैट्स ऑल। You been a dud, you been a vibe. You been in hiding, you been inside. I'm like a farmer, I'm outside. Don't share locations, I'm on the grind. I do my dance, hammer time. 1-2-2 step, 1-2-2 checks. Long nights, I was cold. Shivering. I'm the one before the bag. No middleman. So welcome to the room. और रूम में घुसते ही सबसे पहले आपको ये चीज है, यहाँ पे अपने कोट्स टांग सकते हो क्योंकि आइलैंड में तो ठंड है, तो कोट्स पहन के आया होगा, सूट केसेस होंगे, तो सबसे पहले अपने कोट यहाँ टांगना। और अभी मेरी वहां से बात हुई थी, दे सेट की उन्होंने नीडोस के ये बैग्स आपको देते हैं। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जब भी आप शॉपिंग करने जाओगे तो 80-80 cents के बैग मिलते, तो अगर एक बैग पहले से मिल जाए तो 80 cents तो वहीं बच गया। और इसके अंदर शायद वो बॉटल्स देते हैं, पेंस देते हैं और बहुत सारी चीज़ें और देते हैं। अगर यहाँ पे ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है तो उसका यहाँ पे सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम है। अब इसकी बेस्ट चीज़ क्या है कि अगर आप यहाँ पे कर करके इसका पूरा टेम्परेचर बढ़ा दोगे और आपका बेड यहाँ पे है जिसपे आप सोगे, तो क्या रात को जब ज़्यादा गर्मी लगेगी तो आप उठ के यहाँ पे आओगे? जी नहीं, ये इतना सेंट्रलाइज और इतना इंटेलिजेंट हीटिंग स्पीकर है कि अपने आप यहाँ का जो टेम्परेचर है उसको मैनेज करता है। अब अंदर घुसते ही हमने देखा कि एक डोर और है। इस डोर में ऐसा क्या है कि इसमें तो कोई खजाना छुपा है? क्या इसमें तो कोई खजाना है? मैं दिखाऊं, खजाना ही तो है। वेल ऐसा वॉशरूम, इतना नीट एंड क्लीन वॉशरूम अगर एक बंदे को मिल जाए वो खजाना ही है। और खाने के बाद जो इसमें खजाना निकलता है, गंदी बात है, वो बात करता हूँ। तो ये है हमारा एक ब्यूटीफुल सा वॉशरूम है, ना सामने शीशा है, हाथ धोने के लिए है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेदिंग के लिए सो नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक और ब्यूटीफुल से बाथरूम बना हुआ है। वेल एक पर्सन के लिए काफ़ी है। और यहाँ पे एक चीज़ है, वहाँ पे अपना टॉवल भी सुखा सकते हो, तो इसको करते हैं बंद। और आते हैं तो मेन थिंग, देखो मेन चीज़ जो होती है हर एक स्टूडेंट की वो होता है कि यार बस मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो एक बेड मिल जाए,
तो इतना स्पेशियस और बाउंसी बेड, बाउंसी क्यों होता है यहाँ के अभी पता नहीं, बट बाउंसी बेड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं जिसपे आप आराम से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, कोई आपके साथ आए तो उसको कडल कर सकते हैं, नहीं तो मेरे जैसे इस पिलो को ही कडल करके आप सो सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड हाउस, वेरी गुड स्पेशियस बेड। और मेरी हाइट कितनी है, 5'9" अगर लड़कियां देख रही हैं तो 5'9" की हाइट है और आराम से 5'9" का बंदा इसमें आ सकता है, तो 6 का भी बंदा इसमें आ सकता है कि इट्स वेरी स्पेशियस। तो अगर आप 6 है, 6 से ऊपर भी है तो आप इसमें आराम से आ सकते हैं। और जैसे आपको पता है इंडियन घरों में क्या होता है कि हर बेड के नीचे वो एक सूटकेस रखने की जगह होती है, तो यहाँ पे भी वो सिमिलर है, क्योंकि पता था हम लोग इंडिया से आने वाले हैं, बट वैसी सेम मेंटालिटी के साथ इन्होंने नीचे पूरे स्टोरेज स्पेस बना रखा है, तो आप अपने सूटकेसेस, वूटकेसेस, सारी चीजें यहाँ पे फुल ऑन भर सकते हैं। तो और एक चीज़ जो आप लोगों को पता होगा, शीशे का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैंने यहाँ का जो शीशा है उसमें अपने आप को देखने का, सेल्फीज लेने का, टैटूज हैं तो वो दिखाने का, और यहाँ पे अपनी वीडियोस भी बनाने का। तो ये तो यहाँ का हो गया शीशा। अब आता है जो मेन थिंग, जो वर्किंग स्टेशन, तो वर्क स्टेशन आपको यहाँ पे मिलता है जिसमें आपको इतनी प्यारी सी चेयर मिलती है जो कि इतनी रिलैक्सिंग है ना कि अगर मुझे यही मिल जाए मैं तो इसी पे ही सो जाऊँ। और एक प्यारा सा अपना मग लेके आ सकते हैं, ये मग एक्चुअली यहाँ पे डेकोरेशन के लिए आप अपना भी ला सकते हो, उसमें कॉफी पी सकते हो, कुछ और भी पीना चाहे तो पी लेना। तो यहाँ पे ये चीज है, इतना स्पेस है आपको, यहाँ पे ये सारे मैग्नेटिक है, तो कुछ भी चीजें मैग्नेटिक आपको यहाँ पे चिपकानी है वो लगा सकते हैं, जैसे असाइनमेंट इज ड्यू ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, अगर मैंने ये लगाया होता मेरी तब भी वो ड्यू ही रहती है, मैं काम थोड़ा करता नहीं। तो यहाँ पे आपका आराम से लैपटॉप का स्पेस आ सकता है, यहाँ के नीचे आप सारी वायर्स डाल सकते हैं, और नीचे अगर आप देखेंगे तो सारा यहाँ पे वायर सिस्टम और वाईफाई का है, तो वाईफाई स्पीड यहाँ की बहुत सुपर्ब है, नेट का कभी इशू नहीं आएगा। ये लैम्प आपका यहाँ पे अगर आपको कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है उसके लिए आएगा, और साइड बाय साइड आपका ये स्पेस इतने हैं कि यहाँ पे आप अपने कुछ भी चीजें रख सकते हैं, अपनी बुक्स रख सकते हैं, प्यारी प्यारी फोटोज लगा सकते हैं फैमिली की, और पीस आउट, यहाँ पे पीस आउट, इन्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ, फिर मैंने इनको बताया था कि जोशिंग अराउंड आ रहा था, लाइक जोशिंग अराउंड आ रहा था तो पीस आउट करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं था वैसे, बट दे सेड द पीस आउट थिंग, सो पीस आउट इज आल्सो हियर। सो दिस इज द एरिया, यहाँ पे आप आराम से बैठ के अपना काम वाम कर सकते हैं, और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एक्चुअली यहाँ पे विंडोज ज्यादा खुलती नहीं है, बट यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपको इतना स्पेस मिलता है, बाहर से हवा आ सकती है, बट जिस दिन बारिश आए उस दिन बंद कर देना, नहीं तो आपका स्टूडेंट वाले कहेंगे चलो बड़ा बाहर निकलो, आपकी बस की नहीं, आप घंटे घर में नहीं रह सकते। सो द मेन थिंग हियर इज द अपार्टमेंट, यहाँ पे आपको अपना पूरा सामान रखना है, तो इफ यू ओपन दिस अपार्टमेंट तो यू कैन सी कितना ज्यादा स्पेशियस है यहाँ पे, आराम से आप अपने सारी चीजें हैंगर्स लगा के हैंग कर सकते हो, यहाँ पे नीचे लेटा सकते हो, और नीचे इतना स्पेस और है कि आप अपने शूज हो गए, टाइज, टी शर्ट्स वो रख सकते हो ऊपर का कमांड, मतलब वैसे इतना ज्यादा स्पेस है नहीं, मैं अपने आप खुद बैठ सकता हूँ, कूल, मैं खुद आ रहा हूँ, चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। So this is a very spacious यहाँ पे भी है, तो मुझे जो लगता है कि ये पूरा जो घर इन्होंने बना के दिया है, ये पूरे घर को इन्होंने बहुत सोच समझ के बनाया है। क्यों सोच समझ के, क्योंकि बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली होम है, कि हर एक स्टूडेंट को जो जो चीज़ें चाहिए उसको वहाँ मिलती है। अब कैसे है स्टूडेंट फ्रेंडली, इसका एक और चीज़ बताऊँ, वेल अगर आप यहाँ पे पास आके देखोगे तो यहाँ पे बेड के पास ही स्विच है, और कितनी बार हमें होता है यार बेड के पास स्विच होता तो मज़ा आता, तो यहाँ पे बेड के पास स्विच है, लाइट्स आप वहाँ की यहाँ से भी बंद कर सकते हो, यहाँ से खोल सकते हो, यहाँ पे चीजें लगा सकते हो, और हाँ यहाँ पे ये तो इन्होंने सजाने के लिए करा हुआ है, अपनी कुछ भी चीजें ला के यहाँ पे पिन बोर्ड्स पे लगा के मोटिवेशनल कोट्स लगा सकते हो, या सिर्फ जोशिंग राउंड लगा सकते हो अगर इतना प्यार करते हो तो ये जो पूरे घर का रेंट है, इस पूरे घर का जो रेंट है वो आपको पड़ेगा 252 यूरोस पर वीक। अब आई नो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लुकिंग कर रहा है तो काफी एक्सपेंसिव दे रहे हैं, इसमें नहीं रहेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें और हैं जो आपको पता नहीं। पहली बात तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इंक्लूडेड है, इसमें वाईफाई बिल है वो इंक्लूडेड है, जो बिन्स कूड़ा का हम जो कूड़ा जो हमारे घर लेने आते हैं उनका भी सारा बिल्स इंक्लूडेड है, तो पेपर्स एंड एवरीथिंग वो भी इंक्लूडेड है, एंड साइड बाई साइड दे हैव देयर ओन जिम वो भी इंक्लूडेड है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए जो जेब देते हैं, मैंने आपको खर्चे बताए, ये खर्चे कम से कम 100-150 यूरो के तो आते हैं, तो 100-150 के जो खर्चे आप वैसे अलग से देंगे वो सारे खर्चे आपके इस घर में इंक्लूडेड है। तो थोड़ा एक्सपेंसिव चल सकता है, लेकिन अगर लेविश लाइफ जीनी है और दिखाना है लोगों को यार हाँ जी रहे हैं बाहर, तो ये बहुत सुपर वेरिया। अब ये तो हो गया रूम, अब मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ का सबसे बेस्ट किचन, ये किचन ऐसा है कि मतलब मुझे कुकिंग ना भी आए तो मैं सीखना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे किचन में मैं रहना चाहूंगा। तो आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ का किचन। तो अब यहाँ से चल रहे हैं, तो ये तो रूम हो गया हमारे यहाँ पे बंद, बड़ी तेज बंद हुआ था बट जाना तो मेरे पास चीज है वैसे। तो ये आप यहाँ पे देखोगे तो बी रूम है, यहाँ पे ए रूम है, और यहाँ का सबसे प्यारा है किचन। तो आइए अब आपको किचन में ले जाता हूँ, ये किचन देख के ना अगर आपको कुकिंग नहीं आती, सिर्फ मैगी आती तो आप वो बनाते रहोगे, क्योंकि ये किचन बहुत लैविश है और बहुत ब्यूटीफुल है। तो आइए अगर किचन आपको दिखाता हूँ।
सो देखा इतना लैविश, इतनी बड़ी जगह, यही तो घर सोचे थे मैंने इंडिया से कि रहूंगा तो यार ऐसे घर में रहूंगा, इतने बड़े बड़े रहूंगा। तो ये आपका हो गया लिविंग एरिया जहाँ पे आप और जितने और सारे लोग हो, यहाँ बैठो, ये स्मार्ट टीवी है, यहाँ पे नेटफ्लिक्स लगाओ, मिर्जापुर का जो सीजन आएगा यहीं बैठ के देख लेना। तो इतना बड़ा तो यहाँ पे लिविंग एरिया, यहाँ पे आप बैठ के खा भी सकते हैं, कैंडल्स जला सकते हैं और साइड बाय साइड फ्रिज। मैंने अपनी लाइफ में आई स्वेयर आयरलैंड में इससे बड़ा फ्रीजर कभी देखा ही नहीं है। जब मैं इसको ऐसे खोलता हूँ तो ये पूरा अलग अलग कंपार्टमेंट्स के फ्रीजर है। तो आपको अपना पर्टिकुलर कंपार्टमेंट मिलेगा, तो आप यहाँ पे ए बी सी डी लिख देना, जो भी आपका घर का नाम होगा, तो वो कंपार्टमेंट्स होंगे। इसको इस तरफ बंद करेंगे तो आपका यहाँ पे बड़ा सा फ्रिज होगा। तो सबके इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स है, सबको अपनी जगह रखने की पूरी चीजें हैं। यहाँ पे जो ओनर्स थे, मैंने उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इतने सारे लोग रह रहे हैं तो हर चीज़ को हमने किचन में डबल डबल करा है, तो हर चीज़ यहाँ पे दो दो बनाई है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक सिंक नहीं, दो सिंक है, कि अगर लोग ज़्यादा है तो लोगों के बीच में भछड़े ना हो, यार तेरा बर्तन नहीं धुल रहे, तेरा हाथ नहीं धुल रहा, ये नहीं होनी। तो दो यहाँ पे वो हो गए तुम्हारे वॉश बेसिन, दो माइक्रोवेव्स, दो गैस, दो ओवंस, और हर चीज़ यहाँ पे दो है, और इतने प्यारे प्यारे ये है। जस्ट इमेजिन कि आप सुबह सुबह अपनी कॉफ़ी के यहाँ पे आओ, इधर बैठ के आप अपनी कॉफ़ी पी रहे हो, क्या मज़ेदार है। पीछे इतना प्यारा व्यू, यहाँ पे आपका मेड गजेंद्र बैठा होगा, तो और भाई गजेंद्र कैसा है, तो आप गजेंद्र को हाय बोल सकते हो, यहाँ पे अपनी कॉफ़ी पी सकते हैं। और इसके साथ साथ किचन तो चाहे बहुत स्पेशल है, लेकिन एक चीज़ और मुझे थी, और ये वाला चीज़ मैंने बहुत बार फेस करी थी, जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ना उसकी, चलो बहुत सारे लोग जब साथ में रहने लगते हैं तो कंपार्टमेंट्स की बहुत दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल सबका दिया हुआ, तो ये एक का, ये दूसरे का, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, तो सात लोग साथ के अपने अपने हैं। मैं जब पहले रहता था तो एक कंपार्टमेंट में तीन लोग शेयर कर रहे होते थे, और एक बार ऐसा होता कि मेरा सॉल्ट किसी और ने यूज़ कर लिया, कहता अरे भाई मेरे कंपार्टमेंट में आ गए तो मैंने यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे उस चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इतना बड़ा स्पेशियस किचन, इतना बड़ा स्पेशियस रूम, और इतनी प्यारी लॉबी, और सब चीजें उसमें इन्वॉल्व हैं, तब तो ये घर वर्थ इट है फॉर 252 यूरो। तो मैं तो सोच रहा था, वैसे तो आपने ये सारी चीजें देख ली और आपको जबरदस्त लग रही है, बट क्या आप लोग स्टूडियो रूम देखने में इंटरेस्टेड होंगे, लाइक स्टूडियो रूम्स कैसे होते हैं? और उन्होंने मुझे अभी बताया सारे मास्टर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ मास्टर बेडरूम वाले स्टूडियो रूम में रहना चाहते हैं। तो आइए अब आपको मैं लेके चलता हूँ यहाँ के स्टूडियो रूम में। सो अब मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ का स्टूडियो अपार्टमेंट। तो स्टूडियो अपार्टमेंट, तो अगर आपको कोई गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, और अगर आप साथ आना चाहते हैं तो आप इस स्टूडियो अपार्टमेंट में रह सकते हैं। एक्साइटमेंट मैं अभी बता रहा हूँ, ये आप फैबुलस घर है, ऑल इन वन नहीं होता वो, इस रूम के अंदर है, दरवाजे के पीछे। तो आज चलते हैं D221 के अंदर, ये लगाया और आइए अंदर लेके चलते हैं। देख रहे हो घर के स्टाइल से बनाया है, छोटे कॉम्पैक्ट घर, और इतने प्यारे प्यारे घर में जो आपको वहाँ की टेबल दिखाई थी, सिमिलर टेबल है, लैंप, एवरीथिंग है। तो ये वाली बॉटल थी जो आपको इस बैग में मिलता है, और इस बैग में और क्या क्या मिलता है, क्योंकि उन्होंने बोला इस बैग के अंदर वो चीज़ें हैं, तो दिस इज अ बेथिंग कैप, जब जब आप बेथ करते हो उस टाइम पे कैप लगाने को, पर्सनलाइज पेन, और ये चीज़ जब आप आइलैंड आओगे बहुत यूज़ करोगे, इसको आप अपने फ़ोन के पीछे लगाते हो, क्योंकि आप इतनी लीप कार्ड, ये जो कार्ड्स होते हैं वो आप इसके अंदर डालते हो। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आइलैंड में लोग लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती है। दिस इज़ अ कॉन्डो अपार्टमेंट काइंड ऑफ थिंग, तो यहाँ पे जो भी स्पेशियस है ये तो उतना ही है, बट लेकिन इसमें आपको प्रेस करने के लिए अलग से ये मिलता है, सफाई के लिए अलग से मिलता है, और सेम स्टोरेज मिलती है। यहाँ का वॉशरूम तब भी उतना ही सेम है, वॉशरूम तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वॉशरूम तब भी उतना ही है, तो वन पर्सन एट अ टाइम वाला वॉशरूम है, बट अगर आप टू हो तो फिर वो आपके ऊपर, आप कैसे एडजस्ट करोगे। तो ये वन पर्सन एट अ टाइम वाला पूरा रेस्टोरेंट है, वॉशरूम है, बट द गुड थिंग अबाउट हियर इज दैट यू गेट योर ओन किचन। तो जो किचन आप वहाँ पे छह लोगों के साथ शेयर करते हैं, आपको यहाँ पे शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका अपना सिंक है, चार गैस हैं, आपको यहाँ पे ये यूटेंसिल्स हैं, तो वहाँ पे आपको यूटेंसिल्स नहीं था, वहाँ पे खुद के यूटेंसिल्स आते हैं, यहाँ पे आपको ये यूटेंसिल्स का सेट देते हैं, और साइड बाय साइड यहाँ पे ये स्टोव इसमें है, ताकि जहाँ पे घर में धुआं और स्मेल ना आ रहा है वो सब चला जाए। यू हैव योर ओन माइक्रोवेव एंड यू हैव योर सिटिंग एरिया, जहाँ पे आप सुबह यहाँ पे बैठ के चाय, कॉफ़ी कुछ भी पी सकते हैं, और बाहर का ऐसा व्यू इन्जॉय कर सकते हैं। एक क्यूट सी चेयर भी मिलती है यहाँ पे, जिसको आप आराम से इस पर बैठ के, यार ये चेयर मेरे घर पे भी होनी चाहिए, तो ये प्यारी सी चेयर मिलती है। यू हैव योर ब्यूटीफुल मग्स, जो आपको पीने को, कॉफ़ी पीने के लिए
जैसे मेरे घर पे क्यों नहीं है यार, यहाँ पे क्यों मिले जा रही है सारी चीजें। तो ये है और ये आपका जो पूरा प्यारा सा बेड है, तो ये बेड भी उतना ही साइज का है और यहाँ पे भी स्विचिंग बोर्ड्स जो है वो स्विचिंग बोर्ड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। नीचे की कंपार्टमेंट्स लगाने के लिए वो है और यहाँ पे आप अपना ड्रीम बिग वर्क हार्ड एंड जोशिंग अराउंड जैसी चीजें यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दिस इज लाइक अ सेल्फ सफिशिएंट अपार्टमेंट। यहाँ पे टीवी भी है तो आप अपना टीवी भेज सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज वी नीड टू सेव द वर्ल्ड एंड वी नीड टू टेक एवरीथिंग इनटू कंसीडरेशन, तो यहाँ पे आपके डिफरेंट बिन्स भी हैं, तो आपको प्रॉपर बिन्स में डालना चाहिए। वेल मैं हमेशा डालता हूँ, आप लोगों को भी डालना चाहिए। तो दिस इज अ कॉम्पैक्ट जहाँ पे आप एज अ कपल रह सकते हैं, या आप अकेला रहना चाहते हैं उसके साथ रह सकते हैं। तो इस पूरे घर का रेंट है 310 यूरोस वीकली। तो हाँ, वो 250 था, अगर उसमें आप 60 और ऐड करते हो आपको लगता है कि हाँ यार थोड़े और पैसे दे गए। लेविश तरीके से जिए कि अगर बाहर जा रहे हो तो पूरा शाहरुख खान जाए जैसे लेविश में जीना, तो आप यहाँ पे 310 में ये पूरा अपार्टमेंट देख सकते हैं। मेरा कसम से इतना दिल आ रखा है ना कि मैं कहाँ था ये उस टाइम पे, मैं क्यों नहीं रह रहा था इन सारी चीज़ों में। तो दिस इज मोस्टली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग पोस्ट ग्रेड, क्योंकि ये थर्ड फ्लोर पे है और कहते हैं पोस्ट ग्रेड वालों को ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करनी, उनको अपने में रहना होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई होती है। तो आप यहाँ पे बैठो, पढ़ाई लिखाई करो, खाना पीना करो, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उसको बुला लिया करना, मेरी तो है नहीं, मैं क्या करूँगा इस अपार्टमेंट में। एनीवेज, दिस इज द ह्यूज अपार्टमेंट। तब चलते हैं वापस बैक टू लॉबी एंड इस ब्लॉग को अप करते हैं। एंड That was the whole tour. I hope आप लोगों को tour पसंद आया, this marvelous, beautiful houses आप लोगों को पसंद आया, and definitely the condo apartment. I was like so amazed and just feel like living on there. And thank you Rosin for all the viewership. So I hope you guys like this video. Don't forget to like, share, comment and subscribe. Till then, meet you guys in my next video. Peace out. Look at me, I'm on touchdown and zone, home run, Barry Bonds.